राम राम। सारी बाणा ने आज बाणो ये बैंगनी बनावांगे भरवा। तो अपनी बाणा दिखाऊँ सब तो पहले आदि मिलावांगे कट चैश ताकि इसमें कीड़ा कैडा ना हो और हमें देख लिया। ऐसे सारिया में पहले कट लगाना है चार, फिर इनके थोड़ा थोड़ा नमक लगा लेंगे। आज अपनी बाणा ने बैंगनी खाऊंगी, बहुत स्वादिष्ट बनेंगी। जिसने बैंगन की सब्जी नहीं खाई है, जो नहीं खाते वे भी उंगली चाटते रह जाएंगे। देखियो बाणो, आज मैं नहीं दी तो बोली बाण मैंने वीडियो बनानी है, आज मैं ना बना दे। तो ये है बैंगनी, अपने ले लिया साथ ही, जल्दी बनाई है सब्जी बहुत जल्दी। ये लगा लिया हमने कट और इसको रख देंगे इस तरह। अब बाणो राम राम सारी बाणों ने बाणो, आज बनावांगे बैंगनी। इसमें हमने लगा लिए चार कट, इसमें फिर लगाऊंगे थोड़ा सा नमक ताकि नमक अच्छी तरह ले। चार कट लगा लिए इसमें, चार कट। अब थोड़ा थोड़ा इसमें नमक लगा देंगे। इनके ऐसे देख लेंगे कीड़े हैं या नहीं है। मेरा एक बार जगह कट लाए थे, कीड़े कैडे हैं कि नहीं है ये मैंने चेक कर लिए। आज थोड़ी सी देर होगी बहनों वीडियो बनाते बनाते, कुछ मेहमान आ गए थे पहले बनानी थी। ये नमक लगा लेंगे सारे बैंगनिया में और रख लेंगे। ये बनो, इसमें थोड़ा डालेंगे सरसों का तेल फ्राई पैन में, सरसों का तेल। और इनको उलट पलट के थोड़ी ही गर्म होने देंगे तेल को। तब तक अपनी बाणा दिखा दी मैंने क्या क्या सामग्री ली है, या थोड़ी सी दही है बाणो, या दही ली है, थोड़ी सी मूंगफली ली है, मटर ली है और हरा धनिया और ये मसाला हल्दी धनिया और इसमें थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और डालना है। तो समा लिया दो टमाटर एक अदरक का टुकड़ा। बाणा लाल पच जाएंगे तीन चार जल जाएंगे, नरम नरम हो जाएंगे फिर मैं उतार देंगे। तीन चार मिनट में रख देंगे। ग्रेवी के लिए टमाटर अदरक लिया मैंने पीस, लहसुन थोड़ा सा और बाणों इतना ही मैं मिलावांगे मसाले सारे। अब वो धनिया और गरम मसाला और थोड़ा और भुने हुआ जीरा इसको ग्रेवी में डालेंगे। इसको फेंट देंगे अच्छी तरह, नमक डालना नहीं तो दही फट जाएगी बहनों। और ये अच्छी तरह इसको बिल्कुल मिला लेंगे, मिला कर फिर इसमें उसमें डाल देंगे ग्रेवी में। ग्रेवी तैयार हो जाएगी फिर अपना बैंगनी उसमें फोड़ देंगे। दिखाऊंगे अपने बाणों में तो बाणों या दही में गिर दिया हमने दही में हल्दी जीरा भुना हुआ और धनिया कुटा हुआ और बाणों थोड़ा गरम मसाला थोड़ा सा आमचूर की तो ज़रूरत नहीं क्योंकि दही है। बाणों कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल लेंगे जिसके लिए हम इसमें ग्रेवी बनावांगे। थोड़ा सा तेल डाल लेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही। सरसों का तेल है, सरसों के तेल में स्वाद बनाया करें हैं। और फिर बाणों तो खाएंगे। ये काट, ये देखो प्याज काट लिए हैं मैंने बाणों। और ये भी इसमें गिर देंगे थोड़ा जीरा और इसमें डाल देंगे प्याज डाल देंगे इसमें इसमें थोड़ा चला लेंगे भून लेंगे। इसमें भूनना पाई दो मिनट, अब मैं गैस को कर देंगे लो फ्लेम और ये प्याज भून जाएंगे। फिर इसमें दही वाला पेस्ट डाल देंगे मेरे होने तक इनको भून लेंगे। अभी बूंदे नहीं है कसर है थोड़ी सी, इन्हें भून लेंगे बाणो। प्याज सुनहरा होने तक बाणो हमने भून लिया। ये भी इसमें हम डाल देंगे और जो हमने टमाटर का पेस्ट और ये
अदरक टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट तैयार किया था ये डाल देंगे इसमें। टमाटर भून के ज़्यादा जलाने, ज़्यादा जले वो अपना अच्छे नहीं लग गए, और अपना अपने अनुसार भाई भून लेना प्याज कैसे अच्छे लगा, मन्नत लगे अगर इसे सुनहरे सुनहरे अच्छे तो इसमें हमारे ये डाल देंगे। इसको इतना ये थोड़ा तेल हमें छोड़ देगा जितना इसको मसाले को तैयार हो जाएंगे। अलसी डाल देंगे थोड़ी सी, तो दही में डाल दी थी हमने, इसमें थोड़ी सी डाल देंगे हम। अगर ये तैयार करो बनो तेल इतना इतना इसको भूनना बनो इतना तेल चाहिए भून दिया इसमें, और ये भून दो इसमें भी अदर दही का तैयार करा था हमने, इसमें डाल लिया था दही में धनिया जीरा गरम मसाला जो पेस्ट डाल देंगे इसमें। नमक डाल दिया, नमक डाल देंगे तो दही सब जाएगी, जिसमें हम थोड़ा सा जो पानी था हमारा थोड़ा सा डाल देंगे। थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे और इसको खूब मिला लेंगे खूब मिश्रण अच्छी तरह से, ये पक जाएगा फिर इसमें अपने ये छोड़ देंगे रहेंगे अपनी सब्जी तैयार। डालो थोड़ा सा इसको डाल के डाल देंगे इसमें, नमक डालेंगे बाद में। मलाई वाले बनाया करें बैंगनी छोटी है, मलाई वाली बनाया करें बानो थोड़े आने से पक जाएंगे, थोड़े आने से लेंगे मटर भी डाल देते हैं थोड़ी सी, ये मैंने डाल दी मटर, थोड़ी सी मटर पक लेगी फिर इसमें अपने डाल देंगे बैंगन। थोड़ी देर के लिए दो चार मिनट के लिए पकने के लिए इसको छोड़ देते हैं। इसमें हमने थोड़ा नमक ऐड कर दिया, दही में नमक डाला नहीं था क्योंकि अगर दही में नमक डालते तो दही फट जाती। अब डाला है इसमें थोड़ा नमक, ये थोड़ी सी मटर है ये थोड़ी कच्ची है, दो मिनट में हो जाती है बस, हो गया दो मिनट में ये कच्ची है थोड़ी सी। देखो बानो थोड़े अक लगाया है बहुत अच्छे, ये मन का तैयार हो गई थोड़ी सी अपनी बैंगनी छोड़ देंगे। ये बैंगनी भी बहुत बढ़िया होगी खाने में, लगा है स्वादिष्ट बनी है सब्जी बहुत। तो मानो ये ऐसे रला देंगे ग्रेवी को इसमें, हर बार ये अपने तरह तैयार होगी हरी बैंगनी। देखो मानो किसी बनी हमारी बैंगनी बनकर तैयार, बहुत बढ़िया ग्रेवी बनी है, बहुत बढ़िया खुशबू आ रहा है और बहुत बढ़िया कलर आया है, बहुत बढ़िया। इसमें सर्व कर देंगे हम, डोंगे में डाल देंगे इसको और फिर मानो खा लेंगे बहुत अच्छा बनेगा। तो ये बनगी हमारी तैयार होगी सब्जी सारी, माना राम राम बाणो किसी बनी बताइयो, कमेंट करियो लाइक करियो सब्सक्राइब करियो। थोड़ा सा बाणो हरा धनिया छिड़क देंगे इसमें, थोड़ा सा दो चार पत्ते हरा धनिया डाल देंगे, खुशबू हो जाएगी बढ़िया हमारी बैंगनी तैयार होगी। देख लो बाणो हमारी बनकर सब्जी तैयार खाने के लिए, वो भी तैयार।